पिछले क्लास में हम लोगों ने वेगों के रूपांतरण की चर्चा की थी। अगर एक कोई फ्रेम है और वहाँ से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं जो इस फ्रेम में चल रही है, तो उस वेग के तीन घटक कर सकते हैं हम, एक्स वाई जेड घटक, और उनको हम यू एक्स यू वाई यू जेड ऐसा लिखते हैं। और उसी वस्तु को जब हम एस प्राइम फ्रेम से देखते हैं, एक दूसरे फ्रेम से देखते हैं जो पहले फ्रेम की अपेक्षा एक्स दिशा में वी वेलोसिटी से चल रहा है, तब उस वेग के जो घटक हैं वो यू एक्स प्राइम यू वाई प्राइम यू जेड प्राइम ये निकल कर के आते हैं। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके हमने ये पाया कि यू एक्स यू वाई यू जेड में और यू एक्स प्राइम यू वाई प्राइम यू जेड प्राइम में क्या रिश्ता है, तो ये उनके रिश्ते नज़र आए। इसको हम लोग वेगों के रूपांतरण के समीकरण कहते हैं। आज हम कुछ सवाल लेते हैं जिनसे कि इन समीकरणों की और व्याख्या होगी कि ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहला सवाल हम ये लेते हैं कि धरती से देखने पर जहाज ए, कोई जहाज है और ये फिर ये सूत्र समझने के लिए, समीकरण समझने के लिए हमारे काल्पनिक जहाज होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी वेलोसिटी से चलेंगे। तो जहाज ए वेग 0.8 सी से, वेग 0.8 सी से एक्स अक्ष की धन दिशा में, एक्स अक्ष की धन दिशा में चल रहा है। एक और जहाज है, जहाज बी, धरती की अपेक्षा या धरती के फ्रेम में या धरती से देखने पर जीरो पॉइंट एट सी वेग से एक्स अक्ष की ऋण दिशा में चलता हुआ ए की ओर आ रहा है। और अब प्रश्न है, जहाज ए की अपेक्षा जहाज बी का वेग निकालें। तो दो जहाज हैं, ए और बी नाम है उनके, और धरती से देखने पर जहाज ए एक्स अक्ष की धन दिशा में चल रहा है। अर्थात अगर ये धरती का फ्रेम है, ये धरती का फ्रेम है, और इस फ्रेम से देखते हैं तो जो जहाज ए है, ये जहाज ए है, ये एक्स अक्ष की धन दिशा में यानी इस दिशा में और 0.8 सी इस वेग से चल रहा है। धरती से देखने पर जहाज ए
वेग 0.8c से एक्स अक्ष की धन दिशा में चल रहा है। जहाज बी धरती से देखने पर 0.8c वेग से एक्स अक्ष की ऋण दिशा में चलता हुआ, यानी जहाज भी इसकी ऋण दिशा में इस तरफ को चल रहा है, ए की ओर आ रहा है। अर्थात जो जहाज बी है वो यहां कहीं पर है ऐसा, ये जहाज बी है और ये 0.8c वेलोसिटी से और ए की तरफ आ रहा है और इसलिए एक्स अक्ष की ऋण दिशा में ये वेग है। अब जहाज ए की अपेक्षा जहाज बी का वेग पता करना है कि अगर हम अपने फ्रेम यहाँ ले जाएं और जहाज ए से देखें कि जहाज बी की क्या वेलोसिटी है प्रति सेकेंड, वो कितना नज़दीक आ रहा है, उसका डिस्टेंस कितना कम हो रहा है, तो वो हमें पता करना है। अगर हम रिलेटिविटी की बात न करते तो मामला बहुत आसान था, हम इस धरती के फ्रेम से ही सारा काम कर लेते। हम कहते कि एक सेकेंड में ये कितना दूर इधर गया, एक सेकेंड में ये कितना दूर इधर आया, और इसलिए एक सेकेंड में उनकी दूरी कितनी कम हो गई, तो यही एक की अपेक्षा दूसरे का वेग हो जाता। लेकिन ऐसा यहाँ हम लोग नहीं करेंगे, हमारे जो स्पीड्स हैं वो बहुत बड़े बड़े स्पीड्स हैं, हमें अपने रिलेटिविटी के इक्वेशंस यूज़ करने होंगे, वेगों के रूपांतरण के जो इक्वेशंस हमने लिखे हुए हैं उनका उपयोग करेंगे। तो इस ए को हम, इस जहाज ए को हम एस प्राइम फ्रेम कह लेते हैं। जहाज ए का जो फ्रेम है उसको हम एस प्राइम फ्रेम कह लेते हैं, और क्योंकि हमें इसी जहाज की अपेक्षा इसका वेग मालूम करना है इसलिए हमने इसको एस प्राइम फ्रेम कह दिया, और इस एस प्राइम में अगर हमने इसकी वेलोसिटी निकाल दी तो हमारा काम हो गया। तो कैसे करेंगे, हम अपने इक्वेशंस का इस्तेमाल करें, पहले लिखें यू एक्स क्या है, यू वाई क्या है, यू जेड क्या है। ये एस फ्रेम है, ये एस प्राइम फ्रेम है, धन दिशा में चल रहा है 0.8c से, तो जो वेलोसिटीज फ्रेम की वेलोसिटी है एस प्राइम का वेग, जिसको हम लोग वी लिखते हैं हमेशा, एस की अपेक्षा एस प्राइम का जो वेग होता है उसको हम वी लिखते हैं, ये बराबर है 0.8c। और एस फ्रेम में, धरती के फ्रेम में जो बी की वेलोसिटी है उसको देखिए, धरती के फ्रेम से बी की वेलोसिटी को देखिए, तो एस की अपेक्षा बी का वेग ये हम लिख रहे हैं, तो एस की अपेक्षा जो बी का वेग होगा उसको हम यू एक्स यू वाई यू जेड लिखेंगे। तो एक्स घटक यू एक्स धरती की अपेक्षा, एस की अपेक्षा ये इस तरफ को आ रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ऋण दिशा में जा रहा है ये, तो इसलिए यू एक्स बराबर -0.8c ऐसा। और वाई डायरेक्शन में कोई वेग नहीं है, जेड डायरेक्शन में कोई वेग नहीं है, तो यू वाई बराबर 0 और यू जेड बराबर भी 0। तो एस प्राइम फ्रेम में अब रूपांतरण कर दें, इस फ्रेम में जहाज ए के फ्रेम में ये वेलोसिटीज क्या हो जाएंगे बदल करके, यू एक्स प्राइम कितना होगा, यू वाई प्राइम कितना होगा, यू जेड प्राइम कितना होगा, उसके लिए हम अपने जो रूपांतरण के समीकरण हैं इनका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले यू एक्स प्राइम लिखें, यू एक्स प्राइम, तो यू एक्स प्राइम बराबर यू एक्स माइनस वी बटा 1 माइनस वी यू एक्स बटा सी स्क्वायर। और यू एक्स देखें तो यू एक्स का मान है -0.8c और फिर माइनस वी है और वी का मान भी है 0.8c, तो इस माइनस के बाद फिर से 0.8c और नीचे 1 माइनस
इस v की जगह पे फिर से 0.8c और इस ux की जगह पर माइनस 0.8c और इतने का बटा c स्क्वायर ऐसा। अब इसको थोड़ा हल करें, माइनस 0.8 माइनस 0.8 तो ये बन गया माइनस 1.6c और नीचे देखिए वन के बाद ये माइनस और ये माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएंगे, ये सी और ये सी गुना होकर के इस स्क्वायर को काट देंगे, 0.8 इंटू 0.8 ये 0.64 हो जाएंगे, वन प्लस 0.64 अर्थात वन प्लस 0.64 ऐसा। तो ए के फ्रेम से देखने पर, जहाज ए के फ्रेम से देखने पर ये जहाज बी उसकी तरफ किस वेलोसिटी से आ रहा है, नेगेटिव साइन है यानी ऋण एक्स दिशा में चल रहा है और उसका स्पीड कितना है, तो ये इतना स्पीड है। आप इसको थोड़ा बहुत चाहें तो हल कर सकते हैं, 160 बटा 164 है ये, यू आई प्राइम और यू जेड प्राइम ये जीरो हैं, ये जीरो हैं, यू आई प्राइम बराबर जीरो है क्योंकि यू आई प्राइम का आप यहां देखें इक्वेशन देखें ये यू आई ये जीरो है तो ये यू आई प्राइम भी जीरो हो जाएगा इन सब के बावजूद, इसी तरह से यू जेड जीरो है इसलिए यू जेड प्राइम भी जीरो हो जाएगा इन सब के बावजूद, तो यू आई प्राइम जीरो, यू वाई यू जेड प्राइम बराबर भी जीरो। तो इस फ्रेम से भी देखने पे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही आता हुआ दिखेगा लेकिन उसकी स्पीड जो है वो सी से कम है, 160 बटा 164 का मतलब ये जो स्पीड है यहाँ से देखने पर जो उसकी स्पीड दिखेगी इस फ्रेम से वो सी से कम है। तो ज़मीन के फ्रेम से हम जरूर कहेंगे कि एक सेकेंड में इसने 0.8 इंटू 3 × 10⁸ मीटर चला, इसने भी उतना ही चला, तो एक सेकेंड में दूरी कितनी कम हो गई दोनों की, तो वो हम करेंगे तो वो, और फिर एक सेकेंड से भाग लगाएंगे तो वो 1.6 ही आने वाला है। ज़मीन के फ्रेम से अगर इन दोनों यानों को देखें, अभी इतनी दूरी है, अब इतनी दूरी हो गई, अब इतनी दूरी हो गई, किस दर से ये सेपरेशन घट रहा है, तो वो दर जब निकालेंगे तो वो 1.6 ही आने वाला है, इसी से बड़ा आने वाला है, लेकिन ये सेपरेशन घटने की जो दर धरती पर है जहाज ए के फ्रेम में जब जाते हैं एस प्राइम फ्रेम में जब जाते हैं तब वो सेपरेशन घटने की दर कुछ और हो जाती है क्योंकि समय अंतराल अलग अलग फ्रेमों में अलग अलग हो सकते हैं। तो इस उदाहरण से ये हम सूचना देना चाहेंगे या संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी पार्टिकल को किसी भी मटेरियल को आप सी से ज़्यादा वेलोसिटी से किसी भी फ्रेम में नहीं ले जा सकते हो, तो ये इसमें से एक संदेश निकल करके आता है। एक दूसरा सवाल ले, एक विद्युत चुंबकीय तरंग प्रयोगशाला के फ्रेम में एक्स अक्ष की ओर, एक्स अक्ष की दिशा में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन सी वेग से चल रही है, ये सी वही सी है अपना जाना पहचाना
3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि निर्वात में प्रकाश का वेग है। तो इस वेग से चल रही है। एक दूसरा फ्रेम एस प्राइम इस फ्रेम को आप एस कह सकते हैं, प्रयोगशाला के फ्रेम एस में, और एक दूसरा फ्रेम एस प्राइम प्रयोगशाला के फ्रेम की अपेक्षा वी वेग से, जैसा हमेशा हम लेते हैं, वी वेग से एक्स दिशा में चल रहा है। एस और एस प्राइम में हमेशा हमने यही संबंध रखा है, एस प्राइम फ्रेम एस की अपेक्षा धनात्मक एक्स दिशा में वी वेलोसिटी से चल रहा है, उसी को हम लोग इस संकेत वी उसी के लिए यूज करते हैं। इस फ्रेम में, किस फ्रेम में, इस फ्रेम एस प्राइम में इस तरंग का वेग निकालें, तो हमारे पास एक प्रयोगशाला का फ्रेम है जिसको हम एस फ्रेम कहते हैं, ये हमारी प्रयोगशाला का फ्रेम है, और एक दूसरा फ्रेम एस प्राइम है जो इस एस की अपेक्षा कुछ वी वेलोसिटी से ऐसा चल रहा है, और एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो इस प्रयोगशाला के फ्रेम में सी वेलोसिटी से एक्स अक्ष की दिशा में जा रही है। और प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि एस प्राइम फ्रेम में तरंग का वेग कितना होगा। तो अगर हम प्रयोगशाला के फ्रेम से देखते हैं तो प्रति सेकेंड ये तरंग 3×10⁸ मीटर दूर जा रही है, और प्रति सेकेंड ये फ्रेम वी वेग से चल रहा है, जितना भी वी हो उतने वेग से ये आगे बढ़ रहा है। तो प्रश्न है कि इस एस प्राइम फ्रेम से देखने पर यह तरंग प्रति सेकंड कितना आगे जाती हुई दिखाई देगी। तो अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती तो बहुत आसान था, ये जो इस फ्रेम में ये तरंग कितना आगे जा रही है, सी माइनस वी आगे जा रही है, उसके उस वेग से आगे जा रही है, क्योंकि ये सी आगे वेग से आगे बढ़ती है, वी के वेग से ये बढ़ जाता है, तो इसके ओरिजिन से अगर इसको देखेंगे तो c माइनस वी। लेकिन हमारा जगत जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं चलता, वो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से चलता है, और इसलिए हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और s प्राइम में अगर हमें निकालना है तो पहले हम ये सब लिख लें, ux क्या है, ux यानी जो भी चल रहा है उसका वेग का एक्स घटक प्रयोगशाला के फ्रेम में, एस फ्रेम में, तो प्रयोगशाला के फ्रेम में चूंकि एक्स डायरेक्शन में ही मोशन है इसलिए ये बराबर सी है, और यू वाई तो जीरो है, यू जेड तो जीरो है, और वी तो है ही वी। तो अब हम अपने लिख सकते हैं समीकरण, यू एक्स प्राइम बराबर यू एक्स माइनस वी बटा वन माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, और रखें यू एक्स की जगह पर सी रखें, माइनस वी बटा वन माइनस वी तो वी ही है, यू एक्स की जगह सी रखें, यू एक्स बराबर सी है बटा सी स्क्वायर।
यही नीचे का पार्ट नहीं होता अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में होते। और अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए, ये जो स्क्वायर है उससे सी को काटेंगे तो सी यहाँ केवल बचेगा, तो ये हो गया हमारा सी माइनस वी बटा वन माइनस वी बाई सी। सी माइनस वी यहाँ, और इसको थोड़ा हल कर लें, सी यहाँ, सी माइनस वी यहाँ, तो ये सी ऊपर उठ जाएगा और ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये यहाँ चला जाएगा सी। यू एक्स प्राइम बराबर सी, यू आई प्राइम तो ज़ीरो ही है, यू जेड प्राइम तो ज़ीरो ही है, क्योंकि यू आई यू जेड ज़ीरो है तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हम रखेंगे तो वाई और जेड डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होनी नहीं है। तो यानी एस प्राइम फ्रेम से देखने पर भी इस तरंग का वेग एस प्राइम फ्रेम की अपेक्षा ये सी ही निकल करके आ रहा है, और ये तो होना ही था क्योंकि सारी स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी उसके जो दो अभिगृहित थे, पॉस्टुलेट्स थे, उसी में हमने मान करके सब कुछ किया है कि प्रकाश का वेग जो है वो सभी फ्रेम्स में एक ही जितना रहता है, सभी इनर्शियल फ्रेम्स में एक ही जितना रहता है और वो फिक्स्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट है सी। आप किसी भी फ्रेम से उसको नापो, आप इस फ्रेम से नापो, इस फ्रेम से नापो, इस कोई भी चीज़ अगर सी वेलोसिटी से चल रही है तो वो वेलोसिटी हर फ्रेम से सी ही रहेगी, हर इनर्शियल फ्रेम से सी ही रहेगी। तो प्रकाश की कोई खास बात नहीं है, कुछ भी यहाँ पर अगर सी वेलोसिटी से चलता एक फ्रेम में और दूसरे फ्रेम में हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते तो इन्हीं समीकरणों का उपयोग करते और यही परिणाम आते। तो कुछ भी अगर सी वेलोसिटी से एक फ्रेम में चलेगा तो सभी फ्रेम्स में, सभी इनर्शियल फ्रेम्स में वो सी वेलोसिटी से ही चलेगा।